जल्दी ही स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों के टिफ़िन में हम कुछ ना कुछ मीठी चीज़ रखते ही हैं, तो आज हम बनाएंगे पके आम से एक मिठाई जो बच्चों के टिफ़िन में बिना गिल्ट आप रख सकते हैं टॉफ़ी या किसी दूसरी चीज़ की जगह पर। बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे और आप खिलाकर खुश हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। एक आम ले रहे हैं, आपके यहाँ जो भी अच्छा गुदे वाला आम मिलता हो आप वह ले सकते हैं। इससे बहुत आसानी से इस तरीके से हम पल्प निकाल लेंगे। मैंने एक आम का पल्प और निकाल के रखा था, उसे भी यहाँ साथ में मिला दे रही हूँ। और अब आम के पल्प को हम एक मिक्सी के पॉट में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आम रेशे वाला है तो आप इस पल्प को छान भी सकते हैं। मैंने आज यहाँ बैगन फली आम लिया है और इसमें रेशे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए मैं पल्प को छान नहीं रही हूँ। इस पल्प को हम एक पैन में निकाल लेंगे और इसमें मिलाएंगे आधा कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आम कैसा है। ज़्यादा मीठा होगा तो आप चीनी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और अगर कम मीठा होगा तो चीनी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आम के लिए आधा कप चीनी काफ़ी होता है। चीनी को थोड़ा सा पल्प के साथ मिला लेंगे और इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। लो फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। करीब 3-4 मिनट कुक करने के बाद आप पाएंगे कि पल्प थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। इसे अभी हम लगातार चलाते रहेंगे। ना हमने इसमें कोई कलर डाला है, ना ही कोई एसेंस हम डालेंगे। सिर्फ दो चीज़, आम और शक्कर से हम बनाएंगे मिठाई। करीब 6-7 मिनट से आप पाएंगे कि यह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। एक चुटकी हम यहाँ नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल है। नमक डालने से मीठी चीज़ का स्वाद थोड़ा और एनहांस हो जाता है। 7-8 मिनट में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यह बना कि नहीं, इसको टेस्ट कैसे करना है। कोई भी एक स्टील का प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर एक ड्रॉप आम का पका हुआ पल्प को हम डालेंगे। अब प्लेट को हम ऊपर नीचे करके देखेंगे, पल्प थोड़ा भी बहना नहीं चाहिए। यह अगर अपनी जगह पर बना रहे तो इसका मतलब है कि यह जम जाएगा। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बनाने में हमें करीब 8 मिनट का समय लगा है। अब इसे हम अपने आप ठंडा होने देंगे, लेकिन ठंडा होते समय भी इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी ऊपर मलाई जैसी ना पड़े। यह मिश्रण सॉफ्ट बना रहे ताकि जमने में भी आसानी हो। अब हम एक ट्रे लेंगे, इसके ऊपर हम एक पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं, जो बटर पेपर हम कहते हैं। ऊपर थोड़ा तेल या घी भी लगा देंगे और जब मिश्रण ठंडा हो जाए तब इसे हम एक ट्रे में डाल देंगे। आपको जितनी थिकनेस का बनाना हो आप वैसा डाल सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल पतला बनाना चाहें तो एक थाली में थोड़ा तेल लगाकर ही मिश्रण को डाल सकते हैं। पतला सा यह आम पापड़ जैसा बन जाएगा। मिठाई को सेट होने में 4-5 घंटे का समय लगेगा। 4-5 घंटे बाद यह एकदम अच्छे से सूख जाएगा। ऊपर हाथ लगाकर देखेंगे, यह बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लग रहा है। अब इसे हम निकाल लेंगे और अपने मनपसंद शेप में काट लेंगे। अगर आपको आम पापड़ खाना पसंद आता है तो आपको यह मिठाई ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ मैं आपको एक हैक भी बता रही हूँ। अगर पाक सही से ना बन पाया हो और ऐसा लग रहा हो यह ठीक से सेट नहीं हो रहा है, तो आप इसे 1-2 दिन जितना लगे धूप में रहने दीजिए निकाले बिना, तो भी यह बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इन टुकड़ों को हम थोड़ा नारियल के बुरादे में लपेट लेंगे। आप चाहें तो शक्कर में भी लपेट सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गार्निश करने के लिए हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो तैयार हो गई हमारी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार आम की मिठाई। इसे आप कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं। बच्चों को अगर दूध कॉर्नफ्लेक्स दूध रोटी देते हो तो उसके साथ भी आप ये मिठाई दे सकते हैं। तो आप भी यह मिठाई ज़रूर बनाना और इन्जॉय करना, और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।